कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। इस्लामिक वीडियो सेंटर दीन की अशात है। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم रिश्ता कहकर मेरी तौहीन ना करना, रिश्ता कहकर मेरी तौहीन ना करना। मैं तो मशहूर रहता हूं, मुझे इंसान रहने दो। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। एक पंजाबी अहले कलम ने बात लिखी, मनिया एह खास विचारी। और इंसान मनिया एह खास विचारी, नानू ही नानाई। मनिया ए है खाक बेचारी, नानू ही नानाई। ते अमला दे जो पर लग जान, दे जो पर लग जान, फिर उड़ दिए मार उड़ाई। हर किसी की हमको सलाह बड़ाई किबरियाई अल्लाह जल्लाहु अल्लाह वास्ते खास है। उस रब्बुल आलमीन का असी जितना भी शुक्र अदा करिए थोड़े, उस मालिकुल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने साडे ते अनगिनत लातादाद बेशुमार इनामात इहसानात फरमाए। ओदिया रहमता और ओदिया मेहरबानिया की कोई हद नहीं। इसके बाद ये जुमला बोलिया जाता है, उस रब्बुल आलमीन का जिन्ना भी शुक्र अदा करिए थोड़ा। दुरूद और सलाम इमाम अंबिया मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद सैयदना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते ग्रामी वास्ते, जिन्हां नूं रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया से भेजे। और खुल्क अखलाक का मम्मा बना के दुनिया से मबूस फरमाया, जिन्हां नूं मक्के दे काफर मुशरक जानी दुश्मन होण दे प्यासे सादिकुल अमीन कह के याद करदे।
कोई अपना है कोई बेगाना है, उस पैगंबर की तारीफ करते मजबूर है। पच्ची फरवरी सन 2011 का अज का यह खुतबा जुमा मैं इंशाअल्लाह ताला कुराने पाक दिया सूरत 3 दिया जो आयात तुहाडे सामने तलावत कीतियां ने अपनी मारूजात नू अपनी गुजारिशात नू इन्हां आयात दे तहत ही महदूद और मरकूज रखांगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू किताब और सुन्नत की रोशनी अंदर हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। हर महफल दे हर मजलिस दे कुछ आदाब हुंदे ने। जुमा तो मुबारक एक अल्लाह पाक दी तरफो फर्ज है, जुमे का खुतबा सुनना फर्ज है। जिहड़ा मसीते आ गया उसके बाद जरूरी और फर्ज है कि इमामो खतीब की तरफ पूरी तवज्जो और पूरा इहतमाम रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुसूसन दौरान खुतबा जुमा और मस्जिद के अंदर दीवारों का सहारा और टेक ला के बैठने को मना फरमाया। इतने आए हैं असी तरबीयत लैन वास्ते कुछ सीखने वास्ते, जे सारे जुमे च गोडे फड़ के गोडिया च सिर पा के दीवारों का ढो ला के बहना तो की असी तरबीयत हासिल करनी। अल्लाह के घर में आए हो तो अल्लाह के आसरे से बैठा करो। यह मसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। गोडे फड़ के बहना दीवारों का ढो ला के बहना बिलखसूस खुतबा जुमा के दौरान आपने मना फरमाया। खुशीते आते जी कुछ सीखने वास्ते कुछ हासिल करने वास्ते, यह टाइम पास नहीं साड़ी तरबीयत वास्ते अल्लाह ने जुमा फर्ज किया। इस वास्ते महसूस नहीं करना चाहिए बल्कि बंदे को खुश होना चाहिए कि यार अगे पता नहीं सी मसले का तो चलो पता लग गया, खुशी महसूस कर। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर सूरा 3 के आलात अंदर 4 कस्मा उठाई। तीवा सपारा सूरा 3 अल्लाह की जात ने 4 कस्मा उठा के कस्मा भी अल्लाह पाक ने बड़े अनोखे अंदाज ना जो रब्बुल आलमीन है खाल के अर्जो समाए माल के अर्जो समाए इतना बड़ा शहर जाए अलाकुल्ली शेन कदीर पहाड़े मान रीत उसकी शान है, किसी को मशुरा लैन की लोड़ नहीं। इतना बड़ा बादशाह जमीना आसमाना पूरी कायनात को पैदा करने वाला खुद आप है। अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक विचों मखलूक के ना दिया कसमां उठाइया, फरमाया मैनू 3 दरख्त की कसम, जैतून दरख्त की कसम, तूरी सीना पहाड़ की कसम और अमर वाले शहर मक्का तुल मुकर्रमा की कसम, ये 4 कसमां उठाइया। अल्लाह खालिक 3 जैतून और तूरे सीना अर्थ की जमीन मक्का हो या मदीना होए ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह खालिक पूरी कायनात मखलूक है, अल्लाह मालिक पूरी कायनात मखलूक है,
पूरी कायनात महबूब में, सारी कायनात आबिद है, अल्लाह कल्ला माबूद है, पूरी कायनात साजद है, अल्लाह कल्ला ही मस्जूद है, पूरी कायनात हामिद है, अल्लाह कल्ला ही महमूद है, पूरी कायनात सारी की सारी मखलूका मेरे अजीब दोस्त बुजुर्गों फानी है, अल्लाह कल्ला ही मौजूद है। मखलूक होने के बार मखलूक होने के लिहाज न मखलूक होने के नाते मलाइका भी अल्लाह की मखलूक ने, जिन भी अल्लाह की मखलूक ने और इंसान भी अल्लाह की मखलूक ने। रब्बुल आलमीन जो चाहता है करता है, जो चाहता है फरमाता है, जिन्हें चाहे उवें करे, उन्हों को रोकने वाला कोई टोकने वाला कोई मशवरा देने वाला नहीं है। रब्बुल आलमीन जिन्हें चाह अपने कुरान अंदर जिक्र फरमान, सानू की तालीम है तवज्जो फरमाइए, सानू की हुक्म है, सानू की तालीम है। मेरे और तुहाडे पैगंबर पूरी कायनात वास्ते रहमत का पैगाम लेके आने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियो जदों तुहाडे ते कसम उठाउण दी कोई नौबत आ जाए, जदों तुसीं कसम चुकनी है अपनी दयानतदारी दी, अपने वालों तसली देनी है और अपने वालों सफाई पेश करनी है, तुहाडे ते कोई नौबत आ जाए कसम चुकण दी ते तुसीं की करना। साडे पैगंबर दी ये तालीम है मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो, बिलखसूस रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल सानी का महीना, पिछला सफर का महीना, ये तीन चार महीने जड़े ने उलमाए किराम खुदवाए इज़ाम मसाजिद के अंदर खुदबाती जुमा के अंदर दुरुस्त कुरान अंदर दिन रात के ये तबलीगी प्रोग्राम के जरसे सीरत नबी के नाम के कॉन्फ्रेंस ये मिलाद मुस्तफा दिया महफिल, मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो तीन तीन चार चार महीने खास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अजमत शान का तज़किरा किया जाता है। वो यार तीन तीन चार चार महीने जिस पैगंबर की इज्जत से अजमत की गल सुनते हो उसकी तालीम से गौर फरमाइए कि आपने सानू तालीम क्या दिती है, आपने अपनी उम्मत को तरबियत की दी। ये महफला ये जलसे ये जुम्मे ताई कार आमद साबित होंगे ना, अगर आप सलम की किसी सुन्नत और हदीस से अमल दरामद हो जाए। असल बात यह ना, आपने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियो जब थोड़े विचों किसी बंदे से कसम उठाने की नौबत आ जाए ताले प्यारे महबूब की तालीम है, फिर बाप दादा के नाम की कसम उठानी हराम है। साडे प्यारे महबूब ने मना फरमाया, इसे जहालत की है। मैनू मां की कसम है, तेनू प्यो की कसम है, तेनू नबी की कसम है, तेनू वली की कसम है, तेनू फलां बाबे की कसम है, तेनू फलां बुजुर्ग की कसम है, तेनू फलां मुतबरक जगह की कसम है, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की जमीन से बैतुल्ला नालों वध के बरकत वाली जगह है ही कोई नहीं। क्यों भी है कोई बैतुल्ला शरीफ तो वध के अल्लाह की जमीन से बरकत वाली जगह है ही कोई नहीं। आपने फरमाया बैतुल्ला के नाम की कसम नहीं तुसी उठा, ये कह सकते जे मैनू रब्बे काबा की कसम है, साडा जिहड़ा किबला उहदे खुदा की कसम है, बैतुल्ला के रब की कसम उठा सकते हो, ये नहीं कह सकते मैनू काबा की कसम है, मेरे हरम की कसम है, मैनू अपने किबले की कसम है। ये कसम खान तो साडे पैगंबर ने मना फरमाया। वो यार जे बैतुल्ला की कसम मुसलमान उठाने तो मना फरमाया, ये कबरा ये दरबार ये बुजुर्ग ये वड्डियां हस्तियां ये बाप दादा ये दूसरे तीसरे, फिर इन्हां दे नां दी कसम उठाना ते बिल औले ही हराम हो गया। जाहिर लोग
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਮਜਮੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਵੀਆਤ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਮਲਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਕੋਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੀ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਉਠਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਅੰਦਰ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਵਾਲੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਹਕਮ ਉਲ ਹਾਕਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਖਾਲਕੇ ਅਰਜ਼ੋ ਸਮਾਏ ਬੈਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਲਗੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਖਦੂਮ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਖਦੂਮ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਖਦੂਮ, ਉਹਦੇ ਅਜੀਬ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਹਕਮ ਉਲ ਹਾਕਮੀਨ, ਅਹਕਮ ਉਲ ਹਾਕਮੀਨ, ਉਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਉਠਾਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਈ, ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਈ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਈ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ੀ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫੌਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਐ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਰਵਾਇਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਵਲ ਫਜਰ ਵਲਯਾਮ ਅਸ਼ਰ ਵਸ਼ਸ਼ਅਰ ਵਲਬਦਰ ਵਲਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਯਸਰ ਹਲ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਕਸਮ ਲਿਲੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਜੰਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਰੇ ਫੌਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਵੰਨਾਜ਼ਿਆਤਿ ਗਰਕਾ ਵੰਨਾਜ਼ਿਤਾਤਿ ਨਸ਼ਤਾ ਵਸਫਾਰਿਆਤਿ ਸਬਕਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੀ ਦੋਸਤੋ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بطاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الذي خلقك فسواك وعدلك في أي
ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਤੇਰੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ ਤਦੀਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਤ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਸਮ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਮ ਬਾਗ ਚ ਖੜਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਜ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇਵੇਗੀ ਏਡਾ ਮਨਹੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਏਡੀ ਸਹੀ ਸੁਧਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਗੁਲਾਮੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਯੂਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਕੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਵਾਲੀਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰਕੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਪਾਕ ਬਦਲ ਦਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਤੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਂਗ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਲਿਖ ਸੁਣੀਏ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਗੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫੇਰ ਹੱਥ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਸਰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਕਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮਾਲ ਘਰ ਰੱਖਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਤਨ ਕਰੀ ਅਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੋਖੇ ਚ ਪਾ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮਹਬੂਬ ਤੇ ਉਮਤੀ ਹੋ ਤੇ ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਉਮਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਲਾ ਸਾਹ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਬੈਤ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਰਨ ਪਾਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੰਤਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋਵੇ ਫਰੀਦਾ ਜਮਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਸਾ ਸੁਣ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਫਿਰਤ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੀਸ਼ਬਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਦਲੋ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਧਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਬਾਦ ਸਹੂ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਰ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਸਮੇ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰਤਨੇ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਲੈਕਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਲੈਕਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ ਮਲੈਕਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸੋਹੇ ਰੱਬ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਦਰ ਦੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ
मेरे पाप महमूद का मिलाद होया, मेरे सोने नबी का मिलाद होया, उन्होंने अम्मी भी है, उन्होंने अब्बू भी है, उन्होंने दादा भी है, उन्होंने चाचे दादे खाना के मामू के दादे नाले सारे उम्र कबीला मेरा हरी मौजूद है। जब सोने रंग के नाल अल्लाह फरमा दे रहे मैं नूरी नाले भी इंसान में आला बनाया। अल्लाह अकबर कबीला एक बरादरी के इंसान होंगे ने एक बरादरी अफराद होंगे ने मेरे अजीज दोस्त बुजुर्ग एक बंदे को मेरे अजीजों मुलाजिम मिल जाती है अच्छा ओहदा मिल जाता है एक सरदार मिल गया सरदारत की कुर्सी मिल गई है नाम मुल्क का हुक्मरान बन गया मुल्क का सदर बन गया क्या कुर्सी मेरे नाल ओहदी जिंस बदल जाती है ओनू सदारत मिल गई है फिर ओहदे रिश्तेदार जिहड़े मजदूरी करन दे ने इहदा मतलब है भी उह जिहनू कुर्सी मिल गई है उह जिंस भी छोड़ निकल गया यही मतलब है मेरे नबी ने अल्लाह ने ऐसी कुर्सी दे दिए जिदा दुनिया के अंदर मुकाबले कोई नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह के बताए सदारत ने दी है और कुरान की जुबानी सुनो ऐसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी जो कुर्सी मिल गई सदारत मिल गई अल्लाह पाक ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह लोग मोहम्मद बिन मोहम्मद रसूल अल्लाह बना छड़ा है मैं अपना नबी रसूल बना दिता है सुभान अल्लाह रिश्तेदार सज्जन मेरे भावे कोई किसी का कुछ भी रिश्ते विचों लगता होने खुश होता फिर है यार तेरा वजीरी है ना वो मेरा चटा दाद है वो मेरा मामू दाद है वो मेरी खाला दाद है लोग ऐसी रिश्तेदारियां जोड़ लेने यार मेरा बड़ा बड़ा मेरा दोस्त है मेरा मजबूत है बड़ी मुहब्बत है मेरी बड़ी अलहत रह गए मेरा बड़ा प्यार लह गए तेनू नवंबर तेनू नवंबर मुहब्बत आए तू सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं नवी तो साडे है ही नहीं है अल्लाह अकबर कबीरा सुनने मुहब्बत रकुला का नहीं फरमा मेरे चार कस्मा चुकते इनार कीता है ना पाए ना तुम्हारे इंसान भी आ जाए अल्लाह चार कस्म उठा के फरमा देने मैं इंसान को अपने प्यारा बनाया अगर सुनने प्यार से मुहब्बत की बात है जब अपने इंसान को मुसलमान बनाया अजीम मौलक अता फरमाए मैं तुम्हारी मुहब्बत निधार कर जावा फैसला की दिया बने जमीना आसमाना विच जो मखलूकात है फैसला की दिया बने जो कायनात जमीना आसमाना विच जो मखलूकात है सारी मखलूकात वाले तेरी उच्ची शान अल्लाह तेरे बारे यहूदी ते ईसाई हिंदू सिख बिच मार ने तैनूं बहुत मुल तैनूं मुसलमान कई हजार ने यहूदी ते ईसाई हिंदू सिख बिच मार ने बहुत मुल तैनूं मुसलमान कई हजार ने पर तैनूं तेरा जने बनाया मुसलमान तेरे अल्लाह देने पर सोने हाथ पैर ते रब ने बनाए ने सोने हाथ पैर ते रब ने बनाए ने सोने मैंने रब से रब ने बनाए बनाया हाथ का जवान साडे उत्ते अल्लाह देने बड़े एहसान साडे उत्ते अल्लाह देने बड़े एहसान कल सुनवा लिए ओ अखों बंद नक्क कर मोती है नूर में दिल से दिमाग का हीरे तेरे कोल में ओ अखों बंद नक्क कर मोती है नूर में दिल से दिमाग का हीरे तेरे कोल में ओ तार तार कोल में लपीती है सुबह ताड़ी बड़े अपने बड़े
ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਦੇ ਹਾਦਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ आराम कर ले रात सारे रब ने बनाया ने जे रात ना बनाई होती बंदे कल कम कर भी मर जाते अल्लाह गौर नाल सुन लै तू मेरी इस बात भुल गया उसकी बात तेरे तेरे कम आराम कर ले रात तेरे घर बेटा दूर कर ले गल बात चीज तेरे दरकार बंदे रब का शुक्र गुजार बंदे अल्लाह का कुरान यार फरमा रहा गवाई देनी है सारिया मखलूकों नालों अब्दुल मखलूक कौन बोलो यार जेड़े सारे दिन सारे मखलूकों नालों अब्दुल कौन फिर बोलो सारे मखलूकों नालों अब्दुल कौन इंसान इंसान अल्लाह के बंदे रहमान के बंदे पर सुने तेरा बोल सुना कुत्ते का बंदे तुम्हें पता बड़ा नाजुक जहा हों मैं आपकी आशा करा सारिया मखलूकों इंसान को अल्लाह पाक ने अपने आला बनाया सारे इंसानों के अंबिया की जमात ने अल्लाह ने अपने आला बनाया उन्होंने कुर्सियां दीदिया ने उन्होंने शदारत दीदिया ने उन्होंने मुफूकता दीदिया ने उन्होंने अपना नबी ने पैगंबर बनाया है सारे मखलूकों इंसान सोना है सारे इंसानों के बीचों अंबिया सोने बन गया है खूबसूरत बन गया है अल्लाह की कसमे अंबिया की जमात विचों इनाम अंबिया सोने बन गया है अंबिया सारे मखलूकों विचों इंसान को अल्लाह पाक ने सोना बनाया है सारे इंसानों के विचों अंबिया को अल्लाह ने सोना बनाया फिर सारे अंबिया के विचों सैयद अंबिया इनाम अंबिया को अल्लाह ने खैर बशर बनाया अल्लाह ने सैयद बशर बनाया अल्लाह पाक ने अफजल आला बनाया सारे अंबिया अल्लाह मंदिर मिलेगा मेरे आदरी पैगंबर हुसैन के बादशाह बन के आए सहाबत के बादशाह बन के आए मेरे पैगंबर रहमत के मुजस्म बन के आए सहाबत रहमत बन के आए मुजस्म प्रताप बन के आए अरे कदम कदम पे दर्द ने क्रिसमस पे हमने जहां जहां पे मेरे जिंदगी वासिया गुजर गया जहां नहीं गुजर गई वहां राम आ गया कहीं नहीं सहज भी बस्ती के बाहर निकल गई ने
आपने जाके अपनी बेटी ने चादियां दान लगड़ दी थी। आप सीमा देवी अपने पीर ने धुप्पे लेके आए हैं एक आना दी अमानत साधे को आगे तो नुकसान मिला सकता गर्मी की गर्मी नहीं मिलती है क्यों धुप्पे लेके आए तेरे पीर का हुक्म खराब हो जाएगा। मैं पता नहीं अपना जीवन साझा कर लिया मुहब्बत की बात कर रहा अपने दिलों तो बाहर हासिल करी अम्मा हकीमा ने जो बात करवाई सीमा अपने वीर में धुप्पे के लैके आइए अल्लाह की कसम सीमा ने तेरा हाथ जवाब दिता लखन सोना खरीदता है सीमा के जवाब का मेरा ना नहीं हो सकता बड़ी केवी गल की सीमा ने किया गया बदला में गीत हमारी मन जिधर जिधर अपने वीर लैके जा गया आसमाना दिया बदलने जाने के छा कर देनिया ने सुहा मंदिर भी है आहा राती कमी असमानों राती कमी असमानों खिदमत नाल खबर न हो तकलीफ की खुन कह गए मैं जिन्हों ने पैदा किया खुन कह गए पैदा किया इंसान तेरी तकलीफ में तेरी मिलावट बजावट दे लिया गए मैं तेलों बनाया अपने हाथों के नाल गुन गुन गए पहला कदम देख लिया और जिन्हें रब के हाथों के नाल उसकी बनावट की सजावट का बदला देख लै इंसान आला सारे इंसाना अंबिया की जवान आला फिर सारे अंबिया इमाम अंबिया आला नबी पाक मुहम्मद सल्ले अला इस जग से गुजारा कौन करे होते कुछ भी नहीं खाली सोच का नजारा कौन करे रब आखी रोना नमाज करो मेरा वादा है माशा
जन्नत लवो। एडे लंबे वादे एडा लंबा उधार रब ने रखा, मेरा वादा रब रोदा नमाज करो, मेरा वादा महशर जन्नत लवो उसे नाम हो। सोना नदी प्यार कर अपने नदी के नाल सच्चा उम्मीद बन जा उसे नाम हो। सोना नदी फिरते दाउदारा कौन करे नबी मोहम्मद चलने आला इस जग से गुजारा कौन करे। ओ किन्ना छड़े आई दाम सरवर फट तेरे फिर दे निदारा छम सरवर कट्टा फट दे फिर दे निदारा फिर उन्हें पूरे गार होगे तकली नकारा कौन करे नबी मोहम्मद अल्लाह मेरे वालों अपने महबूब का सच्चा पति बन गए। आपकी ताजादारी आपकी फर्मा बरदारी अल्लाह जिंदगी गुजारने की कोशिश बदलाव करवाए। वह आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इश्तिहारात दोस्तों साथियों ने देखे होंगे मजीद याद जानी वास्ते यकम मार्च नूं बरोज मंगल दिने 10 बजे एक बस सिलसिला खराज तहसीन शहदा इज्तमा हो रहा है जिसके अंदर प्रोफेसर सेनेटर कायदे अहले हदीस कायदे मिलत मोहतरम जनाब साजिद मीर साहब तशरीफ लिया रहे ने, प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब, अलामा सैयद अयाज जहीर हाशमी साहब और इसी तरह अलामा सैयद साजिद नकवी, इसी तरह ही मोहतरम जवार बहादुर साहब, सरदार जबर हुसैन खान साहब और इसी तरह इलाके की पहचान मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब और अलामा मोहतरम सैयद शबीर अहमद उस्मानी साहब, हाफिज बिनियामीन आबद साहब और मोहम्मद ताजू फारूकी साहब और मोहतरम बशीर अहमद खाकी साहब, ये मुअज्जिज़ उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम सकालम किस्म के आदमी ने अलहम्दुलिल्लाह तशरीफ लिया रहे ने। यकम मार्च बरोज मंगल सुबह 10 बजे प्रोग्राम का आगाज होगा, एक मजहबी इज्तमा हो रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रोड पांगड़िया वाला इस रोड पे इज्तमा हो रहा है। सारे साथियों को इस मजहबी प्रोग्राम के अंदर शिरकत की भरपूर दावत दी जाती है। अल्लाह पाक मैंने तुहानू इहे प्रोग्राम के अंदर दिलचस्पी लैन की तौफीक अता फरमाए, इहो जिहे प्रोग्राम नूं कामयाब बनाना चाहिए। अल्लाह पाक मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। वआखिर दावा إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
الحمد لله رب العالمين.